गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने द थिफ्स स्टोरी का पार्ट 1 अपलोड किया था और उस पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि हरी सिंह अनिल के यहाँ काम करता है और वह पहले तो पहला एक्सपीरियंस जो था अनिल का हरी सिंह के प्रति वह अच्छा नहीं रहा था, क्योंकि जो खाना उन्होंने हरी सिंह ने जो खाना रात में बनाया था वह कहता है बेहद घटिया खाना बनाया था और अनिल को थोड़ा सा गुस्सा भी आया था। और अनिल ने क्या किया था, यह खाना किसी स्ट्रे डॉग को, देखो यहाँ लिखा हुआ था है ना, अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, अनिल ने वह खाना किसी आवारा कुत्ते को दे दिया था और उसको डांट भी लगाई थी, कहा था बी ऑफ, निकल जाओ, ठीक है। लेकिन अनिल वहां से, ये हरी सिंह वहां से गया नहीं, आसपास में ही रह गया डांट सुन करके। और फिर एक बार बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल के साथ उसने अनिल को देखा और अनिल भी हंस पड़ा, अर्थात उसकी गलती को क्षमा कर दी अनिल ने। तो उसके बाद हरी सिंह बतला रहा है कि क्या किया अनिल ने, उसके हेड को थपथपाया और कहा बुरा मत मानना और उससे वादा किया कि मैं तुम्हें खाना बनाने के लिए सिखा दूंगा और तुम्हें नाम भी लिखने के लिए सिखाऊंगा, साथ ही साथ होल सेंटेंसेस और नंबर को जोड़ने के लिए सिखाऊंगा। और इस तरह से हरी सिंह कहता है I was grateful, मैं एहसानमंद हो गया अनिल का। ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा था और यहाँ तक हम लोग इस पैराग्राफ तक आ गए थे कि वो जो अनिल का जो नौकर है यानी हरी सिंह, वह कुछ पैसे बचा लेता था, किसमें, वो डेली जो मार्केटिंग करने जाता था, जो हाट बाजार में जाकर डेली सप्लाईज खरीदता था, उसमें वह एक रुपया जो है अ डे यानी प्रतिदिन एक रुपया वह बचा लिया करता था। और अनिल को मालूम था कि वह इस तरह से पैसे बचा रहा होता है, लेकिन अनिल उसे माइंड नहीं करता था, अर्थात अनिल उसे बुरा नहीं मानता था, अनदेखा कर देता था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक पार्ट 1 में मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो जो हमारे स्टूडेंट्स कल किसी कारणवश छूट गए थे, नहीं देख सके थे, उसके लिए लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे पहले देखेंगे तब इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और जो भी स्टूडेंट्स आज जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, तो सब्सक्राइब अवश्य करें इस चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मेरा अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी तरह की परेशानी हो आपको तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं यथासंभव जो है उस परेशानी को, जो भी आपकी कठिनाई है किसी टॉपिक को समझने में, मैं अपने लेवल से भरपूर कोशिश करूंगा कि आपकी परेशानी को मैं सॉर्ट आउट करूं, दूर करूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस बात के साथ मैं शुरू करता हूं आज का पाठ। चलिए, आज का जो पाठ है यहां से स्टार्ट हो रहा है, देख लो, अनिल मेड मनी। मुझे लगता है सब बच्चे आ गए होंगे अपने मोबाइल के स्क्रीन पर,
और देख पा रहे होंगे ये जो लाइन जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, मेक मनी का मतलब होता है पैसे कमाना, ठीक है। तो अनिल जो पैसे कमाता था बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब इररेगुलरली। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मीनिंग आप लोग लिख लोगे कॉपी पर, इसका मीनिंग हुआ इररेगुलरली, यानी हिंदी में बोले तो और नियमित रूप से, अर्थात अनिल की कमाई निश्चित नहीं थी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स ये फ्रेज है, आपको डिक्शनरी में इसका मीनिंग नहीं मिलेगा, इसलिए डियर स्टूडेंट्स आप लिखें और ये आपको वोकेबुलरी में काम आएगा। आगे जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आपको दे दिया जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो आपको लिख देना है इररेगुलरली। तो अनिल जो पैसे कमाता था वह नियमित नहीं था, उसकी कमाई निश्चित नहीं थी। ही वुड बोरो वन वीक लेंड द नेक्स्ट, कैसे काम चलाता था, कहता है सप्ताह भर के लिए वह उधार लेता था और लेंड द नेक्स्ट। देखो यहां दो शब्द आया, दोनों अपोजिट वर्ड है। बोरो, बोरो मीन्स उधार लेना और लेंड मीन्स उधार चुका देना, ठीक है। तो दोनों एक साथ आ गया है, बोरो उधार लेता था एक सप्ताह के लिए, लेंड द नेक्स्ट और नेक्स्ट यानी अगले वीक उस उधार को चुकता कर देता था। ही केप्ट वरिंग, वरी मीन्स चिंतित रहना, परेशान रहना, तो ही केप्ट वरिंग वह परेशान रहा करता था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, किसके बारे में परेशान होता था, अगले चेक के बारे में कि अगला चेक उसे कब मिलेगा। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन ज्यों ही यह आ जाता, इट मीन्स चेक, ठीक है, ये चेक, चेक यानी जब आप किसी को पेमेंट करते हैं ना तो चेक के द्वारा होता है ऑफिशियल पेमेंट, ठीक है। तो कहता है जैसे ही चेक मिल जाता उसको यानी अनिल को, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर जाता और सेलिब्रेट करता, पार्टी मनाता हुआ, ठीक है, दोस्तों के बीच सेलिब्रेट करना, जश्न मनाना, यानी पैसे को वह बर्बाद कर देता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। अब हरि सिंह बता रहा है कि ऐसा लगता है, इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, वह मैगजीन्स के लिए लिखा करता था, मैगजीन्स कहते हैं पत्रिकाओं को। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, और कहता है यह जो लिविंग कमाने का, लिविंग मतलब यहाँ आजीविका, ठीक है, टू मेक लिविंग मतलब आजीविका कमाना, ठीक है, लाइवलीहुड कमाना। तो क्वीर वे मतलब, क्वीर मीन्स होता है स्ट्रेंज, विचित्र, इसे भी याद रखोगे, विचित्र तरीका, वे, वे मीन्स तरीका, रास्ता। तो उसकी कमाई का, आजीविका कमाने का जो तरीका था ना वह विचित्र था, क्यों था, मैगजीन्स में कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखता था और उससे जो आमदनी होती थी उसी से उसका खर्च चलता था। वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू ए पब्लिशर। एक दिन शाम को वह घर आया विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोटों का छोटा सा बंडल लेकर के, saying he had just sold a book to a publisher, यह कहते हुए कि मैंने अभी अभी एक किताब पब्लिशर को बेची है, ठीक है, कैसे पैसा आया, तो पब्लिशर को किताब बेचकर। तो डियर फ्रेंड्स देखा उसने कैसे पैसा लाया, क्या बतलाया, I had been worth
सॉरी वन इवनिंग ही केम होम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। आपको बताया कि शाम में वह क्या हुआ, नोटों का छोटा सा बंडल गड्डी लेकर के घर आया और क्या कहा, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बैग अ बुक टू ए पब्लिशर, कि मैंने जो है ना अभी अभी किसी पब्लिशर को किताब बेची है। यह कह करके हरी सिंह को समझाया कि ये पैसे मैंने कहाँ से लाया, किसी पब्लिशर को किताब बेची है उसी के बदले में मुझे यह राशि मिली है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात में मैंने क्या देखा, आई सॉ हिम टक द मनी, टक मीन्स पुट, ठीक है, मैंने उसको पैसा रखते हुए देखा, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस के अंदर, गद्दे के अंदर, ठीक है, वो पैसा जो रख रहा था अनिल, तो हरि सिंह ने देख लिया गद्दे के अंदर पैसा रख रहा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चिटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। देख लो अब हरि सिंह क्या कहता है कि मैं अनिल के यहाँ काम कर रहा था, आई हैड बीन वर्किंग, ध्यान देना माई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज किया गया, देख लो, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, ठीक है, मैं अनिल के लिए काम करता रहा था कितने दिनों से, फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग एक महीने से, एंड और अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और कहता है शॉपिंग में चीटिंग के अलावा, अपार्ट मतलब अलावा, शॉपिंग मतलब क्या भाई, डेली सप्लाई जो खरीदता था तो उसमें एक रुपया अ डे बचा लेता था, वह प्रतिदिन एक रुपया, वही कह रहा है कि वो शॉपिंग में जो मैं चीटिंग करता था इसके अलावा, आई हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, क्या इन माई लाइन ऑफ वर्क मतलब अपने जो धंधे, अपना जो धंधा था उनका लाइन ऑफ वर्क, जो उसका काम क्या था, चोरी करना, अर्थात वह सीधा सीधा ये कह रहा था कि ये जो शॉपिंग में मैं कुछ पैसे बचाता था इसके अलावा मैं किसी प्रकार की चोरी नहीं की थी अभी तक अनिल के यहाँ। I had every opportunity for doing so, देख लो, लेकिन कहता है मेरे पास ऐसा करने के लिए, अर्थात चोरी करने के लिए मेरे पास हर अवसर मौजूद थे, यानी हर तरह के मौके मुझे मिलते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता था। अनिल had given me a key to the door, देख लो कितना भरोसा करता है अनिल हरि सिंह पर। अनिल had given me a key to the door, अनिल ने तो दरवाजे की चाबी मुझे दे रखी थी, एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और अपनी मर्जी से मैं अंदर बाहर आ जा सकता था, ठीक है, एज आई प्लीज्ड मतलब अपनी मर्जी से, अपने मन से मैं क्या कर सकता था, कम एंड गो आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, कहता है आज तक मैं इतने भरोसेमंद आदमी से नहीं मिला था, ठीक है, वह कह रहा है कि अनिल जो था मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, सबसे ज्यादा भरोसे का आदमी इंसान था वह, ठीक है, और आई हैव एवर मेट, अब तक जितने लोगों से मैं मिला उनमें अनिल जो है सबसे ज्यादा भरोसे का आदमी था, भरोसेमंद था, ट्रस्टिंग पर्सन, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, बिलीव कर सकते हो। एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, अब देखना आपको यह क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि वाई वॉज इट डिफिकल्ट टू रॉब अनिल, हिम मीन्स यहां अनिल, अनिल को लूटना, रॉब यहां पर लूटने के बदले आप कहोगे ठगना, धोखा देना, ऐसे रॉब मीन्स तो होता ही है लूटना, तो अनिल को लूट लेना अर्थात अनिल के घर में चोरी करना बड़ा ही डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्यों था,
यही कारण है, बता रहा है, दैट्स व्हाई। कौन सा कारण भाई? ऊपर जो बताया कि अनिल वाज द पर्सन हु ट्रस्टेड हिम वेरी मच। ऐसा इंसान था अनिल जो उस पर बहुत अधिक भरोसा करता है। अब जो आप पे भरोसा करे उसको आप ठगोगे तो पाप लगेगा, इसलिए कहता है वह अनिल जो था ना ऐसा इंसान था जिसको रॉब करना, जिसको ठगना बड़ा मुश्किल था। इट्स इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन। अब देखो हरी सिंह क्या बतला रहा है कि किसी ग्रीडी मैन को रॉब करना अर्थात किसी लालची आदमी को, ग्रीडी मतलब लालची, तो लालची आदमी को रॉब करना आसान होता है। ये रॉब मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप हिंदी जान चुके, रॉब मतलब लूटना या चोरी करना, ठग लेना, जो कहो यहां पर, धोखा देना। तो अनिल कहता है ये क्यों ऐसा, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि जो ग्रीडी मैन होता है सबसे आसान होता है उसको लूटना, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि लूटने पर वह उसको अफोर्ड कर लेता है वह, यानी लूट जाए कोई सामान तो लालची आदमी उसको बर्दाश्त कर लेता है, ऐसा हरि सिंह का मानना है, अफोर्ड कर लेता है वह। बट इट इज डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन। लेकिन कहता है जो आदमी केयरलेस हो मतलब लापरवाह हो, केयरलेस यानी जो केयर ही नहीं करता हो पैसे का, पैसे इंसान को लूटना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। Sometimes he doesn't even notice he's been robbed. और कभी कभी कहता है उस careless person को तो पता भी नहीं चलता है कि उसको लूटा है किसी ने, and that takes all the pleasure out of the work. और हरि सिंह कहता है इसके चलते क्या होता है, काम करने का मजा ही खत्म हो जाता है, pleasure out of the work. क्या करता है, टैक्स ले लेता है, यानी काम करने का मजा ही खत्म हो जाता है। कब? जब केयरलेस पर्सन का कुछ हमने चुराया लेकिन उसको इसकी इसकी जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं चला उसको, इतना केयरलेस है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब जो है वह अनिल का जो नौकर है हरि सिंह यानी नरेटर, वह क्या सोच रहा है, तो इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क का यही वह समय था, ठीक है, जब मैंने रियल वर्क किया। रियल वर्क अनिल यहाँ पर ये हरि सिंह किसको कह रहा है, चोरी करना, चोरी को कह रहा है वह रियल वर्क, ठीक है। इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, यही समय था जब मैंने कुछ रियल वर्क किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने मन ही मन अपने आप को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, कहा मैं तो अब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो चुका हूं, अर्थात अब तो मेरी आदत भी छूट गई है। प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस करते किसी चीज का आप इसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करना मतलब अभ्यास करना, ठीक है। तो कहा मेरा तो चोरी करने का अभ्यास भी अब छूट गया है, एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही'ल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जब भी कोई आदमी, जब भी कोई चोर लुटेरा या कोई भी क्रिमिनल कोई क्राइम करता है तो उस क्राइम को वह पहले जस्टिफाई करता है अपने लॉजिक से, अपने माइंड को मेकअप करता है वह, इसी तरह का तर्क, भले ही वह तर्क कुतर्क हो लेकिन वह उसी के द्वारा जस्टिफाई करता है, जैसे यहाँ हरि सिंह कर रहा है। देखो क्या कहा हुआ, वह कहता है इफ आई डोंट टेक द मनी, यदि मैंने पैसे नहीं लिए ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो वह क्या करेगा, इस पैसे को अपने फ्रेंड्स पर बर्बाद कर देगा। लो भाई पैसा मेरा मैं बर्बाद करूं या कुछ करूं उस चोर का क्या जाता है। देखो यही हुआ जस्टिफिकेशन,
यानी उसकी नीयत खराब हो रही है पैसे को देख करके, ठीक है, और वह जस्टिफाई कर रहा है कि मैं पैसे जो चुराऊंगा इसका तो क्यों चुराऊंगा, यह न्याय संगत है या नहीं है। देख लो ये लॉजिक वो लगा रहा है कि मैं पैसे नहीं लूंगा तो क्या करेगा, वह वेस्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा अपने दोस्तों पर आफ्टर ऑल। और फिर क्या दूसरा लॉजिक कर क्या दे रहा है, देखो आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। लो और क्या आखिरकार हुआ, मुझे पे भी तो नहीं करता है भैया, बात तो नहीं हुई थी पे करने की, याद है ना डियर स्टूडेंट्स, जब दोनों में एग्रीमेंट हुआ था तो क्या बात हुई थी, कहा था कैन यू ईट मी, कैन यू फीड मी, कैन यू फीड मी, यही तो बात हुई थी। तो अनिल ने कहा था यू कैन कुक देन आई कैन फीड यू, यही बात हुई थी कि तुम खाना पका सकोगे तो मैं तुम्हें खिला सकूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो क्या कह रहा है, आखिरकार वह मुझे पे भी नहीं करता। ये स्टूडेंट्स इंसान की ऐसी मानसिकता होती है, जब आप किसी गलत काम को करते हो तो गलती को आप पहले मन ही मन सही ठहराते हो, जायज ठहराते हो, तब उस काम को करते हो। यदि आप या हम सोच लें कि यह गलत काम है तो फिर कोई गलती करेगा ही नहीं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। अब अनिल वाज स्लीप, कहता है अनिल वाज स्लीप मतलब अनिल वाज स्लीपिंग, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, और क्या हुआ, जो मून लाइट है यानी चंद्रमा की जो रोशनी है वह स्टेप्ड ओवर द बालकनी, वह बालकनी पर पड़ रही थी, गिर रही थी, एंड फेल ऑन द बेड, और वहां से फिर रोशनी जो है रिफ्लेक्ट होकर के बेड पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं उठ करके फर्श पे बैठा, कंसीडरिंग द सिचुएशन, और सिचुएशन पर यानी परिस्थिति पर क्या कर रहा था, विचार कर रहा था, ठीक है, फर्श पे बैठ के सोच रहा था कि पैसा चुराएं कि ना चुराएं, ठीक है। इफ आई टुक द मनी, फिर देखो कह रहा है यदि मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की जो लखनऊ एक्सप्रेस ट्रेन है ये, वह मैं पकड़ सकता हूँ। देखो प्लानिंग है भागने की। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, अब कहता है मैं ब्लैंकेट से बाहर खिसकता हुआ, ठीक है, ब्लैंकेट कहते हैं कंबल को, ठीक है, तो कंबल में से मैं बाहर निकला। आई क्रैप्ड अप टू द बेड, क्रैप क्रीप मतलब होता है रेंगना, CREEP, क्रीप क्रीप मतलब रेंगना, घसीट घसीट करके चलना, ठीक है। तो मैं रेंगता हुआ बेड की तरफ गया या बेड तक पहुंचा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुल्ली, अनिल कहता है पीसफुल्ली यानी शांतिपूर्वक, सुख की नींद, चैन की नींद वह सो रहा था। इस जगह का जो पैराग्राफ है माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना, ये थीम है इस स्टोरी का। देख लो हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, क्या कह रहा है, अब बहुत गौर से वह देख रहा है चांदनी में यानी मूनलाइट में, अनिल का फेस उसको एकदम साफ साफ दिख रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर, पता है उसका फेस बिल्कुल साफ सुथरा था। एंड अनलाइंड, अनलाइंड मतलब उसके चेहरे पर किसी तरह की धारियां नहीं थी, किसी तरह की रेखा नहीं थी, लाइन, ठीक है, कोई यानी किसी तरह के क्रॉच वगैरह का भी निशान उसके चेहरे पर नहीं था, बिल्कुल साफ चेहरा था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पर तो बहुत सारे मार्क्स से बहुत सारे दाग थे, दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स, लेकिन मेरे जो दाग थे ज्यादातर वो स्कार्स थे, क्रॉच थे लगे हुए, ठीक है, चूंकि ये चोर है ना, पकड़ाता होगा तो कहीं लग जाती होगी धुनाई, तो उसके चलते कहता है इसके चेहरे पर बहुत ज्यादा स्कार्स थे यानी क्रॉच के ही निशान थे अधिकांश।
लेकिन अनिल के चेहरे से अपने आप को मैच कर रहा है कि अनिल का चेहरा एक तरफ है, एक तरफ मेरा चेहरा है। कितना साफ सुथरा चेहरा है, लेकिन मेरे चेहरे पर तो स्कार्स हैं। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ सरक गया। स्लाइड से बना स्लिड, स्लाइड मतलब फिसलना, तो फिसला अंडर द मैट्रेस, गद्दे के अंदर। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों को तलाशता हुआ, यानी उनके हाथ नोटों को तलाशता हुआ मैट्रेस के अंदर गया। व्हेन आई फाउंड देम, देम मींस व्हाट, नोट्स, ठीक है। जब मुझे नोट्स मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, बिना आवाज के मैंने उसे खींच लिया बाहर, ठीक है। ड्रॉ ड्रू ड्रॉन, ड्रॉ ड्रॉ डी आर ए डब्ल्यू, ड्रॉ मींस खींचना, तो उन्हें खींच लिया आउट बाहर विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज के। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल नींद में ही, ठीक है, साइड लंबी सांस ली उसने, एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और अपनी करवट बदली, इधर बदली करवट टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं घबरा गया। स्टार्टल मींस घबराना, अफ्रेड, ठीक है, मैं डर गया। क्यों डर गया, उसी की तरफ अनिल का फेस आ गया, अब लगा शायद ये जान गया, क्या जग जाएगा क्या, आंख खुल गई तो। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और क्या था, तेजी से रेंगता हुआ फिर एक बार, क्रॉल मींस भी वही हुआ, ठीक है, क्रैप्ड आउट ऑफ द रूम, घसीटता हुआ या रेंगता हुआ मैं कमरे से बाहर आया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि पैरों की आहट सुनाई नहीं दे, इसलिए खिसकता हुआ बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं रोड पे आ गया, देख लो अनिल के रूम से बाहर आ गया, रोड पे। I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama, मैंने नोटों को कहाँ रखा, कमर में, कैसे रखा, पैजामा का जो स्ट्रिंग था, डोरी जिसको कहते हो, ठीक है, पैजामा की डोरी से उसे बांध दिया और कमर में उसको मैंने ठोस के रख लिया। आई स्लोड डाउन टू वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, 600 रुपीज इन 50s, देख लो, कहता है अब मैं धीरे धीरे टहलने लगा, पहले दौड़ रहा था, अब कुछ दूर चला गया, तब वॉक करने लगा, धीरे धीरे चलने लगा, और काउंटेड दी नोट्स, नोटों को गिना, 600 रुपीज इन 50s, यानी 50 के 600 रुपये थे, 50 रुपये वाले सारे नोट्स थे, कुल टोटल अमाउंट था 600। आई कुड लिव लाइक एन वाइल्ड रिच अरब फॉर ए वीक और टू, अब देखो हरि सिंह क्या सोच रहा है, ये जो 600 रुपये हैं, इन 600 रुपयों से मेरा कितना दिन का गुजारा होगा, फॉर ए वीक और टू, एक या दो सप्ताह, और वह भी बहुत ऐसो आराम के साथ। वाइल्ड रिच अरब, यहाँ एक मुहावरा है कि जिस तरह अरब के लोग जो हैं, वाइल्ड रिच अरब, ठीक है, तेलों से भरा हुआ भंडार है अरब का, अरब अरेबियन कंट्री, तो वहां के लोग कहता है जिस तरह ऐसो आराम से रहते हैं, तेल बेच करके एकदम आलीशान जिंदगी जीते हैं, उसी तरह से कहा, यानी मैं ऐसो आराम के साथ रह सकता था इस 600 रुपये से, कितने दिनों तक, एक या दो सप्ताह तक। तब व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, आई हैड नेवर बाउट ए टिकट इन माई लाइफ, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, देखो कहता जब मैं स्टेशन पहुंच गया, तो मैं स्टेशन पर जो टिकट ऑफिस होता है, जहां टिकट मिलती है ट्रेन की, कहता है मैं तो वहां रुका ही नहीं, क्यों, आई हैड नेवर बाउट ए टिकट इन माई लाइफ, का जिंदगी में मैंने कभी टिकट खरीदी नहीं थी, बाय बाउट, ठीक है, आई हैड पास्ट परफेक्ट टेंस यूज किया है, तो मैंने जिंदगी में टिकट कभी खरीदी नहीं, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, लेकिन डैश स्ट्रेट यानी सीधे जा धमका, तेजी से चला गया सीधा प्लेटफॉर्म पर। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट,
और लखनऊ एक्सप्रेस का था एकदम अब खुलने खुलने को थी, मूव आउट कर रही थी यानी स्टेशन से अब निकल रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन अभी स्पीड पकड़ना बाकी था। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेज बट आई हेजिटेटेड। और कहता है मैं चाहता तो किसी भी कैरेजेज में, किसी भी डब्बे में जंप करके उछल करके चढ़ सकता था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया, यानी मैं नहीं चढ़ा, उलझन में मैं फंस गया। ठीक है, मुझे हिचकिचाहट हुई ट्रेन पे चढ़ने में, फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। कहता है कोई कारण था जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि क्यों नहीं चढ़ा मैं ट्रेन पर। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग भी सोचना क्यों नहीं चढ़ा, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और कहता है मैंने जो भागने का चांस था उसे गंवा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस लाइन का मीनिंग समझो, क्या फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन, यानी ट्रेन पे वह चल सकता था, भाग सकता था पैसे लेकर के, लेकिन भागा क्यों नहीं, क्यों नहीं एक्सप्लेन करना चाहता है वह। देखो इसके पीछे एक ही कारण है, मैंने बताया कि अनिल एकमात्र व्यक्ति था जिसने उस चोर पे भरोसा किया था और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। वह अनिल जो है, देखो उसको कितना रिस्पेक्ट देता था ना, कितना केयर करता था, उसको खाना बनाना सिखाया, पढ़ना लिखना भी सिखाने का उसने वादा कर रखा था। ठीक है, और ऐसे भोले भाले इंसान को वह लूट करके भाग रहा था ना, तो उसकी अंतरात्मा जो है उसको रोक रही थी, जिसको हम कॉन्सेंस कहते हैं। ठीक है, उसकी अंतरात्मा जो इनर वॉइस थी उसकी, उसने कहा नो यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है डोंट डू दैट, अंदर से आवाज आई कि तू ऐसा मत कर, इट इज रॉन्ग, इट इज अ सीन टू डू द एक्ट लाइक दिस। ठीक है, उसको लगा कि इनोसेंट पर्सन को, ठीक है द इनोसेंट पर्सन लाइक अनिल, ठीक है इट इज वेरी बैड, इट इज अ सीन टू रॉब लाइक एन इनोसेंट पर्सन अनिल। ठीक है, इसलिए वह नहीं भागा, यानी भागने का इरादा उसने बदल दिया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और कहता है मैंने भागने का जो चांस था, मौका था, उसे मैंने गंवा दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स द ऑल फॉर द डे। आई होप कि लेसन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और जो कुछ भी कमी रह गई हो कमेंट बॉक्स में लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें, ताकि मैं मोटिवेटेड हूँ आप के व्यूज को देख करके, और अपने कामों को और जो है निखार सकूं मैं, और ज़्यादा आपके ज्ञान को मैं बढ़ा सकूं। मेरी यही कोशिश है, यही मेरा इरादा है, यही मेरा इंटेंशन है। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।